हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैक बाय एसटी। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम देंगे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके घर में कोई भी गाड़ी है जिसका सेल है जो खत्म हो चुका है, आपके अलार्म सेंसिंग या डोर जो आप है गाड़ी को ऐसे बटन से खोना चाहते हैं वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कोई मेजर इशू नहीं है गाइस, सिर्फ एक जो सेल होता है अपना। तो गाइस, आपको सिर्फ एक सेल है उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो पुराना सेल है, और नया सेल लगाना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आपको ये जो आपका छल्ला होता है इसको निकाल के बाहर फेंक देना है, और इसके जो अंदर जो अभी मेरी जो स्विफ्ट डिजायर 2012 मॉडल है तो इसकी चाबी ये वाली है। बाकी जितने भी ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ हैं या नई हैं सब में इसी तरह खुलता है, और बस सेल लगाना है आपको। जहाँ भी स्क्रू दिखता है वहाँ से स्क्रू को खोलो और लगा लो। तो गाइस, इसके अंदर जो सेल लगेगा वो लगेगा CR6020 1620 का। इस सेल के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो 1620। अगर आपकी गाड़ी में 25 से 30 का लगता है तो 25 से 30 का आप है जो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो वैसे सबसे पहले आपको ये रबड़ है, कवर है, इसको हटा लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आपकी जो चाबी है उसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रू खसा हुआ आता है, तो उसको आपको पेचकस से स्क्रू ड्राइवर की मदद से कुछ से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये ऐसे प्लास्टिक है जो खुल जाएगा, ये यहाँ से खुल जाएगा ऐसे। उसके बाद में आपकी चाबी हो जाएगी बिल्कुल ख़त्म। खत्म नहीं हुई गाइस, ये खोलना है पहले, इनको ध्यान से खोलना गाइस, क्योंकि यहाँ पे लॉक वगैरह आते हैं। ये देखो गाइस, ऐसे खुल चुका है, तो बिल्कुल ऐसे हो चुकी है खाली। इस बटन को प्रेस करेंगे नीचे की साइड, तो आपका जो ये मेन सेंसर है जिससे सारी चाबी इसी पर टिकी हुई है, चाहे ये सब फेंक दो आप, लेकिन ये सबसे मेन चीज़ है जिससे अपना जो सारा कंट्रोल होता है। उसके बाद में आपको ये देखो यहाँ से पॉइंट दिख रहा है, आप यहाँ से उंगली लगा के खोल सकते हैं या फिर पेचकस वगैरह की मदद से भी खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान से खोलना, क्योंकि भाई अगर इन सेंसरों में गड़बड़ी हो गई ना तो आपकी गाड़ी की चाबी का कोई मतलब नहीं जाएगा। आपको 1000 से 2000 रुपये लगा के दोबारा पूरी नई चाबी बनवानी पड़ेगी। तो ये देखो, ये ऐसा सेल लगा हुआ आता है, इसको कैसे रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए आपको चाबी से ऐसे कर सकते हैं। ये रिमूव हो चुका है, नया सेल डाल देंगे। ये देखो गाइस, ऐसा नया सेल आएगा 40 से 50 रुपये का। अगर आप, क्योंकि आपको पता है नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो आपको कोई बता सकता है भाई 100 रुपये का सेल आ गया 50 की, क्योंकि तो सेल आता है सिर्फ ओनली 50 से 60 रुपये का, इससे महंगा नहीं आता है। उसके बाद में आपको तो ऐसे आपको कुछ ऐसा सेल है उसको फिट कर देना है। उसके बाद में सेंसरों को बिना छेड़े बिल्कुल ऐसे दोबारा से लॉक कर देना है ध्यान से। और बाकी आप ऐसे नहीं है कि बताइए तो भाई मैंने, आप बार बार में चाबी खोलते रहेंगे, आपको खोलना नहीं, नहीं तो आपके चाबियों में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपकी जो गाड़ी का चाबी ख़राब है या फिर आपके अलार्म सेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है, सेंसर ख़राब हो रखा है, तो गाइस गाड़ी की जो ये की है वर्क नहीं करेगी। बाकी अगर आपका दोनों चीज़ें सही है तो वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं गाइस। बाकी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर सेल डालना सिखाया ओनली, तो गाइस आप घर पर ऐसे सेल डाल सकते हैं और कवर ला के रखो गाइस सबसे बढ़िया, ताकि गिरे भी तो चाबी सेंसर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे न्यू ब्लॉग न्यू कॉन्टेंट साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।